हेलो फ्रेंड्स, जोहार, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे इस चैनल में। और देखिए, सुबह सुबह मतलब सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ अंडा करी और पुलाव। तो इतनी सुबह ये सब बनाने की क्या ज़रूरत थी, है ना। तो आज संडे है और मेरे को आज बहुत जल्दी जाना है स्कूल, क्योंकि आज सीटेट का एग्ज़ाम है और हज़ारीबाग में 18 सेंटर हैं जहाँ कि मेरे स्कूल में भी सेंटर दिया गया है और मैं ड्यूटी में रहूँगी। तो मैंने जल्दी जल्दी से अंडा करी बनाया और फिर इसके बाद मैं बना रही हूँ पुलाव। अंडा करी बन चुका है और अब मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने मटर और ये सारी चीज़ों को मैंने रात को ही छील कर रख लिया था, और गाजर, बीन्स। और देखिए, अब मैं ये जो बर्तन है उसमें तेल मैंने डाला, तेल गर्म हो गया और मैंने यूज़ किया है रिफाइंड तेल, मैं घी का यूज़ नहीं कर रही हूँ आज। और इसमें मैंने गरम मसाले डाले हैं खड़ा, तो तेज पत्ता है, फिर बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी एक छोटा टुकड़ा और जीरा, ये सब मैंने डाल दिया है। और जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे तो फिर मैंने डाल दिया गाजर, जो भी मैंने सब्जियां काट कर रखी थी जिसमें गाजर, बीन्स और मटर। तो इन सब चीज़ों को मैं 3 से 4 मिनट तक ऐसे पका रही हूँ। चलाने के बाद ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एकदम कच्चा रखना है, थोड़ा सा पकाने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी इंडिया गेट का जो लंबा दाना वाला जो चावल है, बासमती चावल, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। मैंने तुरंत धोया और इसमें थोड़ा सा पानी रह ही गया था, तो देखिए पानी दिख रहा है। और इसे मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, उसके बाद इसमें गर्म पानी डाल लूँगी। और फिर देखिए, मैंने सारा प्रोसेस नहीं दिखाया, तो मेरा जो ये पुलाव बनकर रेडी है और अंडा करी भी, मैंने अपना टिफ़िन डाल लिया है। और क्योंकि मुझे ना जल्दी जाना है, नहीं तो मैं फिर लेट हो जाऊँगी। दिक्कत होता है यहाँ से मेरे को गाड़ी निकालने में, बहुत मुश्किल से वहाँ से निकला है और ये गीला मिट्टी हो है ना, तो ये फंस गया यहाँ पे। और कैसे मैं 7 बजे पहुँचूँगी बताओ, आराम से आराम से। अभी उसमें मिट्टी लगा हुआ है, अभी आराम से चलाना पड़ेगा, बहुत चिकना मिट्टी है। आज मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ स्कूल, अभी 7 बजे हैं, 7 बजने वाले हैं और पता नहीं पहुंच पाऊंगी कि नहीं। बोला गया था 7 बजे तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आज है सीटेट का एग्ज़ाम और ड्यूटी है। मैं सुबह 4 बजे से खाना बना रही थी, साथ में लक्की को लेके जा रही हूँ, वो चर्च जा रहा है। हर संडे मेरा कुछ ना कुछ हो जाता है, मैं चर्च भी नहीं जा पाती। तो फिर चलिए, लेट नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ लेट हो जाएगा तो पहुँचने में। तो मिलती हूँ आप लोग से वहीं पर, ठीक है। गाइस, मैं पहुंच गई हूं स्कूल कैंपस और मैंने वहां साइन वगैरह कर लिया है। मैं आई हूं थोड़ा सा अपना बैग वगैरह रखने के लिए और बस एक आध रोटी खाऊंगी अपने क्लास में। एग्ज़ाम हॉल में मुझे क्या क्या चाहिए, ये सब सारी चीज़ों को मैं ले रही हूँ। और सुनाई पड़ रहा है कि वहाँ फ्रंट ऑफिस से अनाउंसमेंट किया जा रहा है और सारे कैंडिडेट अब एंट्री कर रहे हैं, तो मुझे जल्दी जाना होगा। सो फ्रेंड्स, आई एम रेडी फॉर एग्ज़ाम ड्यूटी। और फ़ोन तो यहीं पे रहेगा इसलिए मैं कुछ नहीं दिखा पाऊँगी। सीटेट एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और पूरा स्कूल खाली, पूरा स्कूल खाली है, सिर्फ टीचर लोग आज यहीं रहने वाले हैं। बोलिए, जय श्री राम। मैं एक साथ बोलिए ना, बोलिए कि इतना लेट से आप लोग क्यों जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग एग्जाम ड्यूटी पे आए थे, सीटेट का एग्जाम हो रहा था यहाँ, आज हमें बुलाया गया था। लगभग 1000 स्टूडेंट्स थे, उनका ड्यूटी था, 2 सीटिंग में एग्ज़ाम था। अब एग्ज़ाम के बाद फाइनली हम लोग घर की ओर जा रहे हैं और कल हमें अच्छा से सेलिब्रेट करना है राम जन्मभूमि और राम लल्ला का आगमन करना है। तो जय श्री राम, एक साथ बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। और मैं यहाँ इसलिए रुकी थी क्योंकि इतना सुंदर से सजाया गया है हम लोग का इधर, इसीलिए मैं वही दिखाना चाह रही थी। बैक कैमरे से दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं हमारे विद्यालय कैंपस में एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और अभी तक यह अर्धनिर्मित है। तो मेरा यह ब्लॉग इतना ही रहेगा। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।